गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड फाइन एट योर होम। टुडे आई विल टीच यू सब्जेक्ट हिंदी, लेटर। ये कौन सा लेटर है? ड। लेकिन क्या है इसका मतलब? होता है खाली। बच्चों खूब बजाओ ताली। ये जो लेटर है ड बोलते हैं, लेकिन इसका कुछ मतलब होता नहीं है और बहुत यूज़ में भी नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें इसका यूज़ होता है, ओके? लेकिन इसका कोई एग्जांपल होता नहीं है। लेकिन कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंस बनाना हो तो उसमें ये यूज़ होता है, ओके? बाकी कोई इसका यूज़ होता नहीं है, ठीक है? डका मतलब होता है खाली। बच्चों खूब बजाओ ताली, ओके? नेक्स्ट देखिए, ये ड है। ड से ड है पूर्ण खाली, सभी मिलकर बजाओ ताली। ये क्या है? इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई एग्जांपल नहीं है। तो ये पूरी तरह से खाली होता है तो सभी मिलके ताली बजाओ, ऐसा बताते हैं। कुछ वर्ड या कुछ सेंटेंस बनाना हो तो उसमें इसका यूज़ होता है, बाकी कुछ होता नहीं है, ओके? सो ड से ड है पूर्ण खाली, सभी मिलकर बजाओ ताली, ओके? अंडरस्टैंड? ड ड खाली का देखो खेल, ड खाली का देखो खेल, चूहे बिल्ली में हो गया मेल, चूहे बिल्ली में हो गया मेल। क्या बोल रहे हैं? ड खाली है पर उसका खेल तो देखो, ये चूहे और चूहा और बिल्ली है, ये चूहा और बिल्ली ही, वो दोनों में फ्रेंडशिप हो गई, देखो। ड खाली का देखो खेल, चूहे बिल्ली में हो गया मेल। ड खाली का देखो खेल, चूहे बिल्ली में हो गया मेल, ओके? समझ में आया? ये ड है वो खाली है, कोई एग्जांपल नहीं है, लेकिन किस में यूज़ होता है? कुछ वर्ड्स या कुछ बनाना हो तो उसमें ये यूज़ होता है, बाकी ड खाली का देखो खेल, चूहे बिल्ली में हो गया मेल, ओके? नेक्स्ट, अभी ये ड को कैसे लिखते हैं वो देखे हम, ओके? सो नाउ लुक एट द ब्लैकबोर्ड, हाउ टू राइट ड, ओके? हाउ टू राइट ड, लुक एट द ब्लैकबोर्ड स्टूडेंट्स। फर्स्ट यहाँ ऐसे स्टैंडिंग लाइन करनी है, फिर ऐसे हाफ सर्कल करना है और फिर हाफ सर्कल करना है, ओके? सॉरी, वन मिनट। लुक एट हियर चिल्ड्रन, फर्स्ट यू डू स्टैंडिंग लाइन, ओके? फिर स्टैंडिंग लाइन एंड हाफ सर्कल, ओके? स्टैंडिंग लाइन एंड हाफ सर्कल करना है, फिर अगेन स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल और नीचे की साइड ऐसे टर्न करना है, ओके? फिर स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड टर्न एंड अपसाइड स्लिपिंग लाइन, ओके? फिर स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, टर्न, स्लिपिंग लाइन और आगे की साइड ऐसे डॉट करना है,
ही लोकेट हियर, ऐसे आपको डॉट करना है, ठीक है। फिर अगेन स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड टर्न एंड स्लिपिंग लाइन, और आगे की साइड ऐसे डॉट। तो क्या होता है, ड होता है खाली, बच्चों बजाओ ताली। ओके, आया समझ में? अगेन स्टैंडिंग लाइन, टर्न टर्न, हो गया? आया समझ में? ड होता है ताली, बच्चों बजाओ ताली। ओके, स्टैंडिंग लाइन, हाफ टर्न एंड टर्न, स्लीपिंग लाइन और आगे डॉट। ओके, अगेन ड होता है खाली, बच्चों बजाओ ताली। ये किसमें यूज होता है? कुछ वर्ड से ऐसा कुछ बनाना हो तो इसमें ये यूज होता है। ओके, ट होता है खाली, बच्चों बजाओ ताली। आया सबको स्टूडेंट्स? स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, टर्न, इंग्लिश में आप ऐस करते हो ना, ऐसे ही करना है, और ऊपर स्लीपिंग लाइन और नीचे डॉट कर देना है। ओके, नाउ लुक एट द टेक्स्ट बुक, हाउ टू राइट, लुक एट हियर चिल्ड्रन, राइट ऑन योर नोटबुक टेक्स्ट बुक। ओके, पहले ये स्टैंडिंग लाइन करनी है, फिर ये हाफ सर्कल और टर्न, स्लीपिंग लाइन और ये सर्कल करना है इधर। ओके, आया समझ में? कैसे लिखना है? डॉट टू डॉट लिखना है आपको। ड होता है खाली, बच्चों बजाओ ताली। ओके, स्टैंडिंग लाइन, टर्न टर्न, सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, टर्न, ड होता है खाली, बच्चों बजाओ ताली। ओके, नाउ डायरेक्टली कैसे लिखना है वो देख लो बेटा। पहले ये स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड टर्न, स्लीपिंग लाइन और आगे डॉट। ओके, अब इंग्लिश में एस लिखते हो ना, वैसे ही लिखना है। ओके, लिख रहे हो? ओके, देखिए डायरेक्टली स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, अगेन हाफ सर्कल,
स्लीपिंग लाइन और आगे छोटा सा सर्कल। ओके, इसका यूज़ किस में होता है? जब कोई वर्ड से ऐसा कुछ बनाना हो उसमें ये यूज़ होता है। ओके, क्लियर। नाउ सामने के पेज पर ये एक्टिविटी है, वो हमें करनी है। तो आपको क्या करना है, चित्र देखकर उसके नाम के पहले अक्षर पर गोला लगाइए। ओके, सो नाउ विच पिक्चर इज दिस? घंटी। यस, तो घंटी का क्या होता है? घ से घंटी। ओके, सो नाउ फाइंड आउट वेर इज घ? दिस लेटर इज घ? नो, क। दिस लेटर इज घ? यस। सो यू डू सर्कल। ओके, ऐसे ही ये दूसरा एग्जाम्पल है। कौन सा पिक्चर है स्टूडेंट्स? गमला। यस, ग से गमला। तो ग से गमला होता है तो किधर है ग? यस, ये रहा ग से गमला। नेक्स्ट विच पिक्चर इज दिस? गधा। यस, तो गधा का क्या होता है? ग से गधा। यस, तो ये ग है? नहीं, ये तो ख है। ये ग है? यस, तो ग से गधा। तो ग के ऊपर हमें सर्कल लगाना है। ओके, नेक्स्ट विच पिक्चर इज दिस चिल्ड्रन? कलम। यस, तो कलम का क्या होता है? कह। क से कलम। तो वेर इज क? यस, दिस वन इज क। तो इसके ऊपर हम सर्कल करेंगे। ओके, नेक्स्ट विच पिक्चर इज दिस? खजूर। यस, तो खजूर का क्या होता है? ख, राइट? तो ख किधर है? ख से खजूर। यस, फर्स्ट वन। सर्कल। नेक्स्ट विच पिक्चर इज दिस? कमल। यस, कमल का क्या होता है? क। यस, तो वेर इज क? दिस वन इज क? नो, दिस वन इज क? यस। तो सर्कल करना है क से कमल। कमल, ओके। आया समझ में ये एक्सरसाइज? नेक्स्ट, चित्र को सही अक्षर से मिला। ये जो पिक्चर है किसका है, उसके साथ ये डॉट लाइन जॉइंट करनी है हमें। ओके, सो नाउ फर्स्ट वन विच पिक्चर इज दिस? गाजर। गाजर का क्या होता है? ग। यस, तो ये ग और गाजर को हमें मैच करना है। ओके, नेक्स्ट विच पिक्चर इज दिस? खरबूजा। खरबूजा का क्या होता है? ख। तो ख कहाँ है? यहाँ। तो ये डॉट से वो डॉट को जॉइंट करना है। ओके, नेक्स्ट क से कछुआ। हाँ, तो कछुआ क ये रहा, तो इसको हम मैच करेंगे क से कछुआ। फिर ये क्या है? घड़ी। यस, घड़ी का क्या होता है? घ। ये दोनों को हम मैच करेंगे। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट, तो चिल्ड्रन आपको ये एक्सरसाइज करके मुझे पिक सेंड करना है। ओके,
लुक एट हियर चिल्ड्रन, ये प्रैक्टिस बुक है, आपको पहचानना है और बोलना है क से कबूतर, क से कमल, क से कबूतर, क से कमल, ख से खरबूजा, ख से खरगोश, ख से खरबूजा, ख से खरगोश, ग से गधा, ग से गमला, ग से गधा, ग से गमला, ग से गधा, ग से गमला, ग से घंटी, ग से घड़ियाल, ग से घंटी, ग से घड़ियाल। ये मगरमच्छ को क्या बोलते हैं? हिंदी में घड़ियाल बोलते हैं, ओके। क्रोकोडाइल को घड़ियाल बोलते हैं हिंदी। तो ग से घंटी, ग से घड़ियाल, ओके। तो देखिए क ख ग घ और ड, ओके। नेक्स्ट लुक एट हियर चिल्ड्रन, ड से कोई शब्द आरंभ नहीं होता, इससे कोई भी वर्ड्स स्टार्ट नहीं होता, किंतु शब्द में इसके प्रयोग एवं उच्चारण का जानना आवश्यक है। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है ये इधर बताया है, कंघा, ओके। फिर ये कंगन, ओके। नाउ ट्रेसिंग, ये प्रैक्टिस बुक है। स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड टर्न। नेक्स्ट स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड टर्न, ओके। नेक्स्ट स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड टर्न एंड अपसाइड स्लिपिंग लाइन, ओके। नेक्स्ट स्टैंडिंग, जॉइंट डॉट टू डॉट, आगे ये डॉट करना है और स्लीपिंग है, ओके। आया समझ में? देखिए कंघा, उसमें बीच में डब तक कंघा उसमें होता है, फिर कंगन, देखिए इसमें यूज होता है, ओके। नेक्स्ट इसको हम ट्रेसिंग करेंगे। ट होता है खाली, बच्चों बचाओ खूब ताली, ओके। स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड हाफ इन हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन, ओके। होता है खाली, बच्चों को जाओ खाली, ओके। नेक्स्ट क से ड तक जोड़ना है, तो क के बाद क्या आता है, उसको यहाँ से यहाँ ऐसे जोड़ना है, क के बाद क्या आता है ख, ओके। तो ये ऐसे आएगा, फिर ख के बाद क्या आता है ग, तो इधर से इधर आएगा, फिर क के बाद क्या आता है ग से घर, तो यहाँ से हम यहाँ जॉइंट करेंगे और फिर ख से घर के बाद ये से जॉइंट करना है, ओके। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? नेक्स्ट से खाली देखो खेल, चूहे बिल्ली में हो गया मेल, ओके। चित्र पहचानो और सही अक्षर से मिला, हमें ये पिक्चर मैच करने हैं ये क ख ग से, ओके। ये क्या है स्टूडेंट्स? गमला, यस। गमला का क्या लेटर होता है? ग, ओके।
तो कहाँ मैच करेंगे, ग और गमला, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके नेक्स्ट कौन सा पिक्चर है, कबूतर। कबूतर का क्या होता है, क, तो क से कबूतर जॉइंट करेंगे। ओके नेक्स्ट विच पिक्चर इज दिस, घड़ी। घड़ी का क्या होता है, घ, तो ये घड़ी को मैच करेंगे क से घड़ी। नेक्स्ट विच पिक्चर इज दिस, खरगोश। तो खरगोश का क्या होता है, ख, तो ख ख से खरगोश हो गया मैच। ओके नेक्स्ट देखिए, चित्र को पहचान कर व्यंजन मिलाइए। ओके तो ये क्या है, घड़ी। घड़ी का क्या होता है, घ, तो घ कहाँ है, ये रहा, तो इसे हम वहाँ मैच करेंगे। फिर ये क्या है, गमला। गमला का क्या होता है, ग, ग से गमला, तो कहाँ मैच करेंगे। ओके नेक्स्ट क्या है, खरगोश। खरगोश का क्या होता है, ख, तो यहाँ से। ओके नेक्स्ट कबूतर। यस, कबूतर का क्या होता है, क, तो क से कबूतर हो गया। आया समझ में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फिक्स द सन, भरिए। ओके तो ये इनकम्प्लीट है, वो हमें लिखना है। तो ओके बाद क्या आएगा, आ। फिर छोटी ई, अ आ ई, बड़ी ई, छोटा ओ, उसके बाद रू, रू ए, पची एक बाद में ए, ओ, औ, अम, अह, क, फिर ख, ग, पछी नेक्स्ट घ, ओके ड, खाली बच्चों बजाओ ताली। ओके क्लियर, अंडरस्टैंड, सो नाउ थैंक यू। आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ए, ओ, अ, अं, अह। तो इसी के साथ हमारे स्वर समाप्त हुए। अभी हम व्यंजन वर्णों को बोलना सीखेंगे। सबसे पहले हम क वर्ग से शुरू करेंगे। क, ख, ग, घ, ङ। एक बार फिर से, क, ख, ग, घ, ङ। फर्स्ट कॉन्सोनेंट इज क। क से कबूतर, क से कबूतर, क से कमल,
क से कमल, क से कप, क से कप, क से कलम, क से किताब means pen and book, क से कबूतर, क से कमल, क से कप, क से कलम, क से किताब, कलम means pen, किताब means book. लिखने का तरीका, way of writing हिंदी अल्फाबेट क. एक बार फिर से देखते हैं क को कैसे लिखा जाता है. क को इस प्रकार से लिखा जाता है, हिंदी अल्फाबेट ख. ख ख से खरगोश, ख से खरगोश, ख से खिड़की, ख से खिड़की, ख से खजूर, ख से खजूर, ख से खिलौने, ख से खिलौने, ख खरगोश, खिड़की, खजूर, खिलौने. आओ देखते हैं हिंदी अल्फाबेट ख को किस प्रकार से लिखा जाता है. ख अल्फाबेट को इस प्रकार से लिखा जाएगा, हिंदी अल्फाबेट ग. ग ग से गमला, ग से गमला, ग से गुड़िया, ग से गुड़िया, ग से गाजर, ग से गाजर, घ घड़ी, घर घड़ा, घंटी, लिखने का तरीका, वे ऑफ राइटिंग हिंदी अल्फाबेट घ. दोबारा देखते हैं कैसे लिखते हैं. हिंदी अल्फाबेट न. न, नो पिक्चर बिगनिंग विद दिस साउंड, देन वी कैन से न है खाली दो एक ताली. क ख ग घ न. न है खाली दो एक ताली, लिखने का तरीका, वे ऑफ राइटिंग हिंदी अल्फाबेट न. आओ एक बार फिर से देखते हैं इसे कैसे लिखा जाता है. कैन से न है खाली दो एक ताली.
आओ बच्चों, पढ़े हुए स्वरों व व्यंजन वर्णों को दोहराकर नए शब्द बनाना सीखते हैं। स्वर अ आ इ ई उ ऊ रि ए ए ओ अ अं अह। व्यंजन means consonants क ख ग घ म ई ख। when these letters join together these make eek means sugar cane। a k। when these alphabets join together these make ek। ek means number 1। a g ag। ag means fire। When these letters join together, these make ank, means numbers। kh, g, khag, means bird। आओ दोहराएं। ag, ag means fire। ank, ank means numbers। eek, eek means sugarcane, another name for ganna। khag means bird, another name for chidiya। ek, ek means number।